हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो या आवश्यक जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 30 जनवरी के पंचांग, राशिफल और महा उपाय की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2077 मास चल रहा है, माघ का तिथि कृष्ण पक्ष की द्वितीया की तिथि है, शनिवार का दिन है, नक्षत्र है मघा, योग है सौभाग्य और करण है तैतिल। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की, अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में प्रतिकूलताओं में वृद्धि होगी, जिससे मानसिक और शारीरिक रूप से व्यग्रता का आप अनुभव करेंगे। एक साबुत हल्दी की गांठ जल में प्रवाहित करें और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। ओम विष्णुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मध्य रात्रि में स्नान करने से आप बचिए। वृषभ राशि, कार्य में बढ़ चढ़ करके आप भाग लेंगे, परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, लेकिन अपने व्यवहार से आप किसी को ठेस न पहुंचाएं, दुख न पहुंचाएं, इस बात का आप ध्यान रखें। स्नान के जल में फिटकरी डाल करके स्नान करें, भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें और पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से आपको बचना चाहिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए गृहस्थ जीवन में उग्र वातावरण बना रहेगा, भगवान गणेश की पूजा आराधना करें और नीले रंग के वस्त्र का प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। कर्क राशि, धार्मिक और सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ करके आप हिस्सा लेंगे, पक्षियों को चारा दें, भगवान राम की पूजा आराधना करें और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से आपको बचना होगा। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी मनोहर स्थल पर प्रवास हो सकता है, मित्रों से मुलाकात होगी। एक साबुत हल्दी की गांठ जो है वो जल में प्रवाहित आपको भी करना चाहिए और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए और मध्य रात्रि स्नान करने से आपको भी बचना होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए वाहन आदि का सुख मिलेगा, सामाजिक प्रसंग में कहीं बाहर जाने की स्थिति आपके लिए बनेगी, भगवान गणेश की पूजा आराधना करें, गणेश चालीसा का पाठ करें और बिना स्नान के तिलक धारण करने से आपको बचना चाहिए। तुला राशि, तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य में सफलता मिलने में विलंब हो सकता है, क्रोध करने से बचना होगा। आज के दिन जो है ऋणहर्ता गणपति स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा, लापरवाही करने से अपने काम में आप बचिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए लेखन या साहित्यिक प्रवृत्ति में विशेष रुचि होगी, अनैतिक कार्य से आपको बचना होगा, जरूरतमंद व्यक्ति को मीठा और नमकीन भोजन कराएं, भोजन के बाद स्नान करने से बचें, हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। धनुराशि, धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए नए कार्य को आरंभ करने के लिए इस समय अच्छा नहीं है, हनुमान जी की पूजा आराधना लाल पुष्प की माला से या लाल पुष्प समर्पित करके करेंगे, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का एक एक पाठ करेंगे तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। सोते हुए व्यक्ति की नींद में विघ्न मत डालिए। मकर राशि, मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, मनोरंजक प्रवृत्ति से मन प्रसन्न रहेगा, माता पिता का आशीर्वाद लें, अपने गुरु की पूजा आराधना करें और वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए वाहन एवं वस्त्र आभूषण की खरीदारी कर सकते हैं, घर की सजावट पर विशेष ध्यान देंगे, प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त करेंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, वाणी पर संयम रखना चाहिए, माता सरस्वती की पूजा आराधना करें, कोई नया अनुबंध नया कॉन्ट्रैक्ट करने से इस दौरान आपको बचना चाहिए। मीन राशि, मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, लेकिन किसी की बात को लेकर के परिजनों से कुछ वाद विवाद तकरार की संभावना बनती है, किसी रोगी व्यक्ति को वस्त्र का दान करें, महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें और बड़े बुजुर्गों की बातों को दिल पे लगाने से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको 7 टोटके बताने जा रहा हूँ। इन 7 चमत्कारी टोटकों से में से कोई भी 5 टोटके अगर आप कर लेते हैं तो आपका दुर्भाग्य जो है वो सौभाग्य में बदल जाएगा। आइए जानते हैं क्या है उपाय, कैसे आपको इनका लाभ मिल सकता है। हर इंसान अपने दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जब बुरा समय होता है तो साया भी साथ छोड़ देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए तो सरल उपाय आपको मैं बताने जा रहा हूं, और एक बार इन उपायों को विश्वास करके आपको जरूर करना चाहिए। ये उपाय आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की क्षमता रखते हैं। क्या है ये उपाय, आइए जानते हैं।
पहला उपाय है कि नया कार्य, नया व्यवसाय, नौकरी, रोजगार आदि शुभ कार्यों के लिए जाते समय घर की कोई महिला एक मुट्ठी काले उड़द उस व्यक्ति के ऊपर से उतार करके भूमि पर छोड़ दे तो हर कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। दूसरा उपाय है कि गरीब, असहाय, रोगी और किन्नरों की सहायता दान स्वरूप आप अवश्य करें। यदि संभव हो तो किन्नरों को दिए हुए पैसे में से 1 रुपये का सिक्का उनसे वापस लेकर के अपने कैश बॉक्स या लॉकर में आप रखें, या पूजा स्थान में उसको लाल कपड़े में या सफ़ेद कपड़े में जहां कहीं भी रखें, एक अलग निशान के लिए उसको लाल या हरे कपड़े में आपको लपेट करके रखना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और अगर आप पूजा स्थान में इसको रखते हैं तो रोज़ जब भगवान की पूजा करते हैं तो उसको भी आप धूप दीप दिखाइए, ये साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। तीसरा उपाय यह है कि काली हल्दी की एक गांठ शुभ मुहूर्त में प्राप्त करके अपने घर में, व्यवसायी अपने कैश बॉक्स में तथा व्यापारी अपने गल्ले में रखें तो आपको लाभ अवश्य होता है। चौथा उपाय यह है कि रवि पुष्य नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में बहेड़े की जड़ या एक पत्ता तथा शंख पुष्पी की जड़ ला करके अपने घर के लॉकर में रखें, चांदी के डिब्बी में रख करके रखते हैं तो और ज़्यादा ये शुभ हो जाता है। पांचवा टोटका है कि बरगद का जो पेड़ होता है, बड़ का पेड़ भी जिसको कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, तो बरगद के पत्ते को गुरु पुष्य या रवि पुष्य योग में ला करके उस पर हल्दी से स्वास्तिक बना करके घर के पूजा स्थान में या धन रखने के स्थान में इसको आप रखेंगे तो आपको फायदा अवश्य दिखेगा। छठा उपाय और टोटका ये है कि घर के मुख्य द्वार के ऊपर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा और चित्र आपको ज़रूर लगाना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है और सुबह जो है दूर्वा अवश्य अर्पित करें गणपति देवता को तो आपको बहुत अच्छा इसका फायदा मिलेगा। जीवन के हर प्रकार के विघ्न जो हैं वो दूर रहेंगे और रिद्धि सिद्धि यानी लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी। सातवां उपाय है कि धन संबंधी कार्य सोमवार और बुधवार को करेंगे तो आपको इसका फायदा जीवन में अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इन 7 टोटकों में से कोई भी 5 या 7 के साथ अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर करके अपने जीवन में लाभ लीजिए। इसका चमत्कार आपको कुछ ही दिनों में अनुभव हो जाएगा। आप सभी लोगों से बार बार आग्रह करता हूँ कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमो नारायण। सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। तो यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन फोन पे बात करना और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9997241। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, shama.vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत ज्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं, ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें शर्मा.वैभव@gmail.com पर।